दोस्तों, ये साल बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बहुत बुरा साल है। इस साल हमने कई महान हस्तियों को खो दिया है, जिनमें बॉलीवुड के कई लेजेंडरी सिंगर्स भी शामिल हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको उन टॉप 5 बॉलीवुड सिंगर्स के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने साल 2023 में सबको कहा अलविदा। दोस्तों, अगर आप उन महान सिंगर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। लता मंगेशकर, बॉलीवुड इंडस्ट्री की लेजेंडरी सिंगर और मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर की 92 ईयर्स की उम्र में डेथ हो गई। लता जी ने 6 फरवरी 2022 को ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में कोविड के कारण देहांत हो गया। लता जी ने अपने कैरियर में 30,000 गानों से भी ज्यादा गाने गाए थे। वो भारत की शान थी और उनके जैसा हीरा ना कभी था और ना कभी हो पाएगा। बप्पी लहरी, लता दीदी की डेथ को कुछ ही दिन गुजरे थे तो डिस्को किंग ऑफ इंडिया बप्पी लहरी भी हमें छोड़कर चले गए। 69 ईयर की उम्र में 15 फरवरी 2022 को बप्पी लहरी का देहांत हो गया। उनकी कंडीशन काफी सीरियस थी और वो मुंबई के हॉस्पिटल में एडमिट थे। बप्पी लहरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के पहले रॉक स्टार थे, जिन्होंने गीतों में पॉप का ऐसा तड़का लगाया कि लोगों को संगीत का एक नया स्वाद मिला। बप्पी ने अपने कैरियर में कई हिट गाने गाए और कई सारे अवार्ड्स भी अपने नाम किए। सिद्धू मूसेवाला, फेमस पंजाबी सिंगर, रैपर, एक्टर और पॉलिटिशियन सिद्धू मूसेवाला सिर्फ 28 साल के थे और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला को दिन दहाड़े बेरहमी से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया और उनकी यूं अचानक डेथ ने उनके परिवार और उनके चाहने वालों को हिला कर रख दिया। लेकिन सबसे बड़ा सदमा उनके माता पिता को पहुंचा। सिद्धू मूसेवाला के माता पिता ने एक जवान शेर जैसे बेटे को खो दिया। सिद्धू मूसेवाला ने कई हिट गाने गाए थे और वो बहुत अच्छे सिंगर के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी थे। कृष्ण कुमार कुनाल, अभी सिद्धू मूसेवाला की डेथ को 2 दिन भी नहीं गुजरे थे तो हमें एक बहुत बड़े लेजेंडरी सिंगर की बुरी खबर सुनने को मिली और वो ये खबर है कि बॉलीवुड के फेमस प्लेबैक सिंगर केके की डेथ हो चुकी। 31 मई 2022 को भारत के महान सिंगर केके की 53 ईयर्स की उम्र में हार्ट अटैक के कारण डेथ हो गई। केके कोलकाता के एक इवेंट में लाइव परफॉर्म कर रहे थे कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें CMRI हॉस्पिटल लेकर गए, जहां रास्ते में ही उनका निधन हो गया। केके ने बॉलीवुड को कई हिट गाने दिए थे। वो भले ही हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी आवाज हमेशा हमारे दिलों पे राज करेगी। तो दोस्तों, ये थे बॉलीवुड के वो सिंगर्स जिन्होंने हाल ही में इस दुनिया को कहा अलविदा। इन सिंगर्स के लिए इस वीडियो को कर दें लाइक और हमें कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कौन सा सिंगर आपका फेवरेट था। और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें।